Let's do question number 29th of exercise 3D, that is linear equation 2 variable. Question number 29th is find the value of k. Hame k ki value nikalni hai, for which the following system of equation has no solution. Ki kaun si aisi k ki value hogi ki ye dono equations ka no solution ho. Lekin k not equal to 0 bhi hai. To kaise karenge? Chaliye dekhte hain. हम पहले दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं. इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी. और सेकेंड इक्वेशन थी 6x माइनस 2y प्लस k इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी. तो हम a1 पता किया 3 है, a2 पता किया c है 6 है, B1 पता किया -1 है, B2 पता किया -2 है, C1 पता किया -5 है और C2 पता किया K है, राइट. अब नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होती थी? नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती थी A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. अब a1 अपॉन a2 क्या है? 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन -2 बट नॉट इक्वल टू -5 अपॉन k, राइट. तो ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया. अब आप या तो a के साथ c1 अपॉन c2 ले सकते हैं क्योंकि k इस साइड है नॉट इक्वल टू, तो k किसी के इक्वल नहीं आ सकता. लेकिन नो सॉल्यूशन तब होगा जब k उसके नॉट इक्वल टू होगा, राइट. तो अब देखिए अब हमने क्या किया, b1 और b2 को और c1 अपॉन c2 को एक साथ ले लिया. तो हमने लिखा 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, k इज नॉट इक्वल टू 5 इंटू 2, दैट इज k इज नॉट इक्वल टू 10. तो हेंस दीज इक्वेशंस have no solution. No solution होगा लेकिन कब, when k is not equal to 10. k equal to 10 नहीं होगा तभी ये इस equations का no solution आएगा answer.